सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज हम बात करने वाले रेलवे भर्ती की जो NTPC की जो वैकेंसी निकली हुई थी 35,000 वैकेंसी, तो उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मैं आपको बता दूँ कि कुल कितने फॉर्म भरे गए इसके बारे में मैं आपको एकदम एग्जैक्ट और ऑथेंटिक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे आंकड़े जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जो आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो एकदम ऑफिशियल और ऑथेंटिक है। एकदम प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे सुरक्षित जो आपकी जोन होंगी कौन सी होंगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफिशियल प्रूफ के साथ और सबसे सही एकदम ऑथेंटिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, सही और एकदम ऑथेंटिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, बात कर रहे हैं हम रेलवे भर्ती NTPC के बारे में। जी हाँ, 35,000 वैकेंसी निकली गई थी, इसके सापेक्ष में कितने फॉर्म डाले गए हैं और सबसे सुरक्षित जोन कौन सी होगी, यहाँ पे मैं ऑफिशियल आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RRV अजमेर में 10.5 लाख अभ्यर्थियाँ बैठेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों ने इसके जो डाटा थे वो पहले से आपको बताए थे कि किसी ने कहा था कि 1.4 करोड़ यानी 1,40,00,000 लोगों ने अप्लाई किया, किसी ने 1.5 करोड़ लोगों के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ हर एक चीज़। तो RRB अजमेर में यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.5 लाख लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर आपने भी अप्लाई किया है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही है या नहीं है। तो आप 35,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई थी, 1.6 करोड़ लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो मैं आपको बता दूं, 1.6 करोड़ लोगों ने अगर इसका रजिस्ट्रेशन करवाया तो इतने लोग तो एग्ज़ाम नहीं देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो आंकड़ा बताया जा रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC में यथा जूनियर क्लर्क सेट टाइपिस्ट वगैरह जितनी बार पोस्ट है उनके लिए दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है इन पदों के लिए देश भर में 1.6 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। RRV अजमेर में 1700 पदों के लिए 10.5 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। रेलवे भर्ती बोर्ड इन पदों पर भर्ती के लिए जून से सितंबर के बीच पहले चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजन करेगा। RRV अजमेर के अध्यक्ष KR चौधरी ने बताया कि NTPC पदों के लिए अभ्यर्थियों में उत्साह नजर आ रहा है। इन पदों के लिए 1 मार्च से आवेदन शुरू किए गए थे, यानी रविवार रात को थम चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन द्वारा 5 अप्रैल तक आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि कितने फॉर्म इसके लिए अप्लाई किए गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टेड हैं लोग, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके सेफ जोन कौन कौन सी हो सकती हैं। 2-3 सेफ जोन है, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने उस चीज़ को स्किप कर दिया। मैं आपको बता दूँ कि जिनमें बीच में यानी मिड में अगर माने कि कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, वहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। क्योंकि लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि सबसे कम में भी भरेंगे, सबसे ज़्यादा में भी भरेंगे, लेकिन बीच वाले में कोई ध्यान नहीं देगा। तो सबकी एक जैसी अगर सोच रहेगी तो इसी के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है कि जहाँ पे लगभग मीडियम वैकेंसी है वहाँ पे ज़्यादा फॉर्म भर गए हैं। जैसे बात कर लें अजमेर की, तो 1700 कुछ वैकेंसी है और यहाँ पे फॉर्म की बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए बात कर लें तो इलाहाबाद डेंजर जोन में है, इलाहाबाद में कम से कम 20 से 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अगर मैं बात कर लूँ चंडीगढ़ की, तो लगभग वहाँ पर भी 12.5-13 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में लगभग 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अगर देखिए सेफ जोन की मैं बात करूं तो मालदा, सिलीगुड़ी, इनमें अगर बात करें तो इनमें काफ़ी कम फॉर्म भरे गए हैं। सिलीगुड़ी की मैं बात करूं तो लगभग 1 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं, जहाँ पे 443 वैकेंसी हैं। वहीं बात करें मालदा की, तो मालदा भी काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर 1043 वैकेंसी हैं, लगभग 3 लाख फॉर्म वहाँ पर भरे गए हैं। अगर मैं बात करूँ बेंगलोर की, तो बेंगलोर के लिए मैं आपको बता दूँ लगभग 10.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं बेंगलोर के लिए भी। तो ये आपकी पूरी है 21 जोन है, आपको पता है रेलवे की 21 जोन है, 21 जोन में मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। इलाहाबाद भी काफ़ी डेंजर में है। मुंबई की अगर बात करूँ लगभग 14 लाख फॉर्म वहाँ पे भरे गए हैं। सिकंदराबाद की बात करूँ तो 13 लाख फॉर्म वहाँ पे भरे गए हैं। चेन्नई की बात करें तो 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं। बेंगलोर की बात करें तो 10 लाख मैं आपको बता चुका हूँ, 10 से 11 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अजमेर 10.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और अगर बात करें रांची की, तो लगभग 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं अहमदाबाद की, तो 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और बात करें बिलासपुर की, तो 1207 वैकेंसी हैं। और बिलासपुर की बात करें तो लगभग 5 लाख फॉर्म यहाँ पे भी भरे गए हैं। गुवाहाटी की बात करें तो 851 वैकेंसी हैं, लेकिन यहाँ पे बात करें तो 2,48,000 लगभग, यानी 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में यहाँ पे भी फॉर्म भरे गए। तो अराउंड मैं आपको पूरे सबका बता चुका हूँ। गोरखपुर की बात करें तो 1298 वैकेंसी हैं और फॉर्म भरे गए 4.5 लाख।
ठीक है, बात कर लेते हैं भोपाल की। तो भोपाल में 997 वैकेंसी हैं और जो फॉर्म भरे गए हैं वो भी काफ़ी डेंजर जोन में बात करें, क्योंकि यहाँ पे लगभग 6.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो टोटल जितने वो रेलवे जोन हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे जो सेफ जोन रहेगा वो 2-3 ही रहेंगे, कोलकाता, मालदा, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में मुझे लगता है कि सबसे कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी भी बहुत कम है और बहुत कम ही लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया, लगभग 1 लाख लोगों ने सबसे कम। तो अगर आपने जिस जोन में भरा है आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कंपेरिजन कर सकते हैं। और आगे भी मैं आपको इससे रिलेटेड पूरा कंपैरिजन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बता दूंगा कि किसका कितना है, सब कुछ एकदम क्लियर। तो बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।